नमस्कार, आज हम शुरू करेंगे स्थिति के आधार पर प्रवाल वित्तियों के प्रकार। इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया था कि प्रवाल वित्तियों का निर्माण क्या क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं और उत्पत्ति के अनुसार प्रवाल वित्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आज हम शुरू करवा रहे हैं स्थिति के आधार पर। दो प्रकार की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। नंबर एक, उष्ण कटिबंधीय प्रवाल श्रेणियाँ और दूसरी है आपके सीमांत प्रदेशीय प्रवाल श्रेणियाँ। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ। प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर में भूमध्य रेखा से 50 डिग्री उत्तर और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य इस प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ हमें देखने पाई जाती हैं। जैसे कि नाम से विदित उष्ण कटिबंध अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, इनका विस्तार भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान और चूने की कमी के कारण बहुत कम है, किंतु अयन रेखाओं तक इनकी बस्तियाँ काफ़ी विस्तृत हो गई हैं। प्रवाल भित्ति इन क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्व की ओर बहुलता से पाई जाती हैं और पश्चिमी किनारों के साथ नहीं है, क्योंकि पश्चिमी किनारों के सहारे ठंडी धाराएं चला करती हैं और व्यापारिक हवाओं की विपरीत दिशा लीवर्ड साइड होती है, इसलिए प्रवाल समाप्त हो जाते हैं। अब प्रवाल भित्तियाँ यहाँ नहीं बन पाती तथा पूर्वी किनारों के साथ गर्म धाराएं बहने से, व्यापारिक हवाओं के पवनाभिमुखी होने से, विंडवर्ड साइड होने से तथा समुद्री तापक्रम का आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होने के कारण प्रवाल भित्तियाँ महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर बहुत अधिक पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति, ये बहुत बड़ी भित्ति है, प्रवाल द्वीप है। उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर में बहुत अधिक पाई जाती हैं। इस महासागर में के मध्य पश्चिमी भाग में प्रवाल भित्तियाँ अधिक पाई जाती हैं। अंध महासागर और हिंद महासागर में यह कम पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रवाल श्रेणियाँ भूगतियों द्वारा भी उत्पन्न की जाती हैं। कहीं कहीं पर यह 30 मीटर से लेकर 125 मीटर तक होती हैं। जल तल से ऊंची उठी हुई होती हैं। इस प्रकार के प्रवाल भित्तियाँ विभिन्न परिस्थितियों में बनती हैं और इसलिए कई आकारों में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीमांत प्रादेशीय प्रवाल भित्तियों की। मार्जिनल बेल्ट कोरल रीफ्स, इस प्रकार के प्रवाल समूह 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं। इस प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ प्लेस्टोसीन हिमयुग से पूर्व विद्यमान थे, किंतु हिमयुग के कारण हिमावरण से प्रवाल समाप्त हो गए और इस कारण इनका विकास भी रुक गया। अब ये केवल नवीन प्रवाल निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य करती हैं। इन सीमांत प्रदेशीय क्षेत्रों में उपलब्ध द्वीप लहरों के अपर्दन से कटे हुए या अपर्दित धरातल युक्त चारों ओर से कटे हुए प्लेटफॉर्म युक्त पाए जाते हैं और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके हवाई द्वीप समूह। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जल तल से बाहर भी पाई जाती हैं। अब इनकी रचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। प्रवाल भित्तियों की संरचना देखने से पता चलता है कि प्रवाल भित्ति में कुछ विशेषताएं भिन्न रूप से जरूर होती हैं, किंतु अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ एक चीज़ समान हो पाई जाती है कि इनमें भू आकारों के बारे में यह जानकारी हमें निम्न प्रकार से मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैगून की। लैगून या अनूप झील प्रवाल भित्तियों से संबंधित किनारों के सहारे विकसित अनूप झील प्रथम भू आकार की होती है। इस झील के पैंदे पर चूने के जवाब देखे जाते हैं जो प्रवाल दीवारों से प्राप्त होते हैं। प्रवाल की भित्ति की अपर्दन समुद्री दहरों के द्वारा होती है और अनूप झील में जीवित प्रवालों की संख्या नगण्य होती है। इनमें कुछ चूना युक्त एल्गाई और फोरमिनीफेरा बहुत अधिक पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में चलछट समुद्र की लहरों द्वारा कटान से भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अनूप झील शिने या धीरे धीरे तलछट के जमाव में छिछली होती जाती है। जिस स्थान पर प्रवाल तलछट ढक नहीं जाते वहाँ पर मूंगे के ऊपर फर्श के ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार अनूप झीलों में दो प्रकार की कार्यप्रणाली हमें देखने को मिलती है। पहली है प्रवाल भित्ति की आंतरिक दीवारों से अपर्दन से अनूप झील के पार्श्वों की वृद्धि होती है। अनूप झील की चौड़ाई अलग अलग प्रकार की प्रवाल भित्तियों में अलग अलग होती है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम कोरल रीफ्स की प्रवाल भित्ति की। अनूप झील के बाहर की ओर प्रवाल भित्ति निम्न ज्वार रेखा के ऊपर विकसित होती है और मृत बहुपाद प्राणियों द्वारा निर्मित सतह सामान्यतः उबड़ खाबड़ होती है।
तथा कई दरारों द्वारा फटा रहता है। प्रवाल भित्ति के किनारों पर दो दरारें अधिक होती हैं, इनमें से होकर समुद्री पानी इनमें प्रवेश करता है। दूसरा क्षेत्र ब्लडर्स का पाया जाना, जो रेत की मिट्टी के पट्टी से महासागरों की ओर होता है। इसमें मोटे अलग अलग पड़े दीवारों पर निक्षेपित होती हैं। इस डायग्राम को आप गौर से देखिएगा, ये प्रवाल संबंधी सिद्धांतों का एक विश्लेषण दिया गया है और इसके द्वारा हमें ये इसमें जो बताया गया है कि उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कितने होते हैं, तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह प्रश्न हमारे लिए शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा कि किस तरीके से इनका निर्माण हुआ। तो इसमें सभी के मत अलग अलग रहे। किसी ने द्वीप या महाद्वीप के स्थल भाग के चारों ओर जलमग्न चबूतरों पर बनते हुए बताया, तो यहाँ पर कईयों ने इसका विकास में अलग अपने तरीके का सहयोग दिया। निम्न ज्वार तल तक की ऊंचाई पर पाया जाता है तथा इस भित्ति और द्वीप के बीच अनूप झील का निर्माण हो जाता है। यह झील धीरे धीरे मृत प्रवाल द्वीपों के सहारे निक्षेपण आदि से छिछिली होती जाती है। इस प्रकार द्वीप या स्थल खंडों से सटकर जुटी हुई प्रवाल भित्ति, जिसका ढाल तट की ओर धीमा और समुद्र के तट की ओर अनुतट प्रवाल भित्ति होती है। इसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, जिनमें डार्विन का निमज्जन नियंत्रण सिद्धांत है और डेली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत है, मरे का स्थिर सिद्धांत है और आगासीज का अपरदन सिद्धांत और डेविस का परिकल्पना सिद्धांत है। बच्चों, मैं इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वही आपको करवाना चाहूँगी। तो मेन इम्पॉर्टेंट आपका इसमें क्या है, वो है डार्विन का निमज्जन सिद्धांत। यद्यपि हम आज शुरू करते हैं डार्विन का निमज्जन सिद्धांत, सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन्स। यद्यपि प्रवाल भित्तियों की अगर हम बात करते हैं